वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो अब हम बात करते हैं हॉर्मोन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। तो जैसे कि आपको पता है थायराइड ग्लैंड मेनली दो हॉर्मोन सीक्रेट करवाता है, वन इज थायरोक्सिन एंड सेकेंड इज कैल्सिटोनिन। वन इज थायरोक्सिन एंड सेकेंड इज कैल्सिटोनिन हॉर्मोन। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द थायरोक्सिन हॉर्मोन। तो सबसे पहले थायरोक्सिन हॉर्मोन है, ये अमाइन नेचर का होता है, दैट इज इट इज अमाइन हॉर्मोन। थायरोक्सिन हॉर्मोन सिंथेसाइज कैसे होता है? बाय द एडिक्शन ऑफ द आयोडीन टू द टायरोसिन अमाइनो एसिड। कोई भी आयोडीन जिससे उसको किसमें ऐड करवा दो, टायरोसिन अमाइनो एसिड में, तो किसकी सिंथेसिस हो जाएगी? थायरोसिन हॉर्मोन की। एडिशन ऑफ आयोडीन टू टायरोसिन अमाइनो एसिड मींस कि जो थायरोक्सिन हॉर्मोन है वो क्या रख रहा है? आयोडीन। और कितना परसेंट? 65% आयोडीन कंटेनिंग हॉर्मोन। थायरोक्सिन हॉर्मोन एक है बट ये दो फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, वन इज T3 एंड सेकेंड इज T4। इट एग्जिस्ट मेनली टू फॉर्म, वन इज T3 एंड सेकेंड इज T4। T3 मीन्स की ट्राई आयोडो थायरोक्सिन एंड T4 मीन्स की टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन। तो यहां पे जो ये दो फॉर्म है किसके बेस के ऊपर? आयोडीन के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? T3 में मेले कितने हैं? 3 आयोडीन, लेकिन टेट्रा आयोडो थायरोक्सिन में कितने आयोडीन है? 4। ठीक है, तो यदि हम इसके डिफरेंस के बारे में बात करें तो जो T3 है ये मेनली 10% ही बनाते जा रहा है थायरोक्सिन हॉर्मोन, लेकिन T4 है ये 90% बना के जाता है थायरोक्सिन हॉर्मोन को। इट फॉर्म 10% ऑफ थायरोक्सिन हॉर्मोन बट T4 फॉर्म 90% ऑफ थायरोक्सिन हॉर्मोन। लेकिन यदि हम लैग पीरियड की बात करें, लैग पीरियड, तो T3 का मेनली कितना होता है? 2 से 3 डेज, बट T4 का जो लैग पीरियड है ये होता है 8 to 10 डेज। लैग पीरियड क्या होता है? मीन्स कि जो ये हॉर्मोन जैसे सीक्रेट हुआ, सीक्रेट होने के बाद जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है सीक्रेट होने से और अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में बीच का जो टाइम है उसको क्या बोलते हैं? लैग पीरियड। तो यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। यहाँ पे टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे कम टाइम लगने का मीन्स कि क्या हुआ कि जो T3 है ये कैसा है? क्विक एक्टिंग हॉर्मोन। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम ज्यादा लग रहा है तो ये कैसा है? स्लो एक्टिंग। ओके, अब हम बात करते हैं थायरोक्सिन के फंक्शन के बारे में, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हॉर्मोन। तो सबसे पहला जो थायरोक्सिन है हॉर्मोन का जो फंक्शन है ये क्या करवाता है? रेगुलेट करवाता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। बट ये जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है ये भी रेगुलेट होता है बाय टू प्रोसेस, रेगुलेट बाय टू प्रोसेस। वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज ATP प्रोडक्शन। रेगुलेशन होने की वजह से ये जो थायरोक्सिन हॉर्मोन है हेल्प करता है टू कंट्रोल ऑफ द फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ, हेल्प
करेगा थायरोक्सिन टू कंट्रोल फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ एंड सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बट जो ये कंट्रोल है ये किसकी वजह से हो रहा है? एटीपी प्रोडक्शन की वजह से। इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? कैलोरीजेनिक इफेक्ट। दिस कंट्रोल अंडर द कंट्रोल ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन, सो दिस इफेक्ट आर नोन एज कैलोरीजेनिक इफेक्ट। मीन्स की जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो कैसा है? कैलोरीजेनिक हार्मोन। यदि अब हम सेकंड फंक्शन की बात करें तो जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये मेंटेन करता है होम्योथर्मी। होम्योथर्मी मीन्स की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या रहे? कॉन्स्टेंट। सेकंड फंक्शन इसका क्या होता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। इन वार्म ब्लडेड एनिमल कौन कौन से होते हैं? मैन एंड द बर्ड्स। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होम्योथर्मी। थर्ड फंक्शन इज जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये इंक्रीज करवाता है रेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। थायरोक्सिन हार्मोन है डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करता है। डिफरेंशिएशन मींस कि कोई भी सेल है उसका डिफरेंशिएट हुआ और अब वो क्या करवा रही है? फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, ठीक है? तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कौन करवाते हैं? मेरे थायरोक्सिन हार्मोन। कोई भी सेल है डिफरेंशिएट क्या इसने, और डिफरेंशिएट होने के बाद अपने फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, स्पेसिफिक फंक्शन को, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मींस कि लार्वा है उसका किसमें कन्वर्ट होना? एडल्ट में। लार्वा का एडल्ट में कन्वर्ट होना, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। और ये किसकी हेल्प से होता है? थायरोक्सिन हॉर्मोन की हेल्प से। ये समझने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया, टैडपोल लार्वा लिया, ठीक है? टैडपोल लार्वा मेनली किसका होता है? फ्रॉग का। तो जब हमने टैडपोल लार्वा है इसमें से थायरोक्सिन हॉर्मोन को रिलीज करवा दिया या फिर रिमूव करवा दिया, ठीक है? जैसे ही हमने इस लार्वा से रिमूव करवाया थायरोक्सिन हॉर्मोन, तो ये जो लार्वा है एडल्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाया, अभी भी ये कैसे है? लार्वल फॉर्म में। बट जैसे इस लार्वा के अंदर, टैडपोल लार्वा के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया गया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? एडल्ट में। मींस कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये नेसेसरी है किसके लिए? मेटामॉर्फोसिस के लिए। इसके अलावा आपको पता है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन है ये कैसे बनता है? बाय द एडिक्शन ऑफ द आयोडीन। तो मींस कि जो आयोडीन है वो भी क्या है? नेसेसरी फैक्टर है फॉर द मेटामॉर्फोसिस। यदि आयोडीन का भी हम रिमूव करवा दिया जाए लार्वा से तो वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है आयोडीन का एडिशन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन का, ये एंट्रेंस में भी आता है, इसलिए ये चीज याद रखिये। थायरोक्सिन हार्मोन इज द नेसेसरी हार्मोन फॉर द मेटामॉर्फोसिस। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।